Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and CN making. This is module number 91 and we are going to talk about level 5 leadership. When we talk about level five leadership, we are concerned with the superlative degree of leadership concern in which the leader is going to have a paradoxical combination of humility and will. But when he or she needs to reach to the level five, he or she needs to cross certain levels.

लेकिन जब हम लेवल टू की बात करेंगे तो लेवल टू इज कंसर्न विद्रीब्यूटिंग टीम टू टीम ओरिएंटेशन में जाहिर है कि उस लीडर को टीम डायनामिक्स का सहारा वो लेना है उसको टीम डायनामिक्स को समझना है ताकि वो सब लोगों को साथ लेकर चल सके और सब लोगों की शमूलियत से वहां पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वो अचीव हो जब हम लेवल थ्री की बात करेंगे लेवल थ्री इज मैनेजर। नाउ दैट कंपिटेंट मैनेजर इज देयर विदीपल विदोर्सेज और वो पीपल और कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करेगा जब हम लेवल फोर की बात करते हैं तो नाउ द पर्सन इज बिकमिंग विजन है वो हायर लेवल अचीव कर सकता है और उसके पास कैपेबिलिटी है कि क्लियरिटी ऑफ थॉट और अपनी कैपेबिलिटीज के साथ वो तमाम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन वो दे सके और ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की कैपेबिलिटी है वो अचीव हो सके बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेवल फाइव इट इज एन एग्जेक्टिव द विद अ विजन द एग्जेक्टिव इज देयर टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन द एग्जेक्टिव हु इज देयर टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड वेल्थ और इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से वो तमाम अपने मेंबरान को जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो बेहतर तौर गाइड भी कर सकता है उनको ट्रांसफॉर्म भी द लीडरशिप कंसर्न जहां पर उसका पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड वेल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट सो वेन वी टॉक अबाउट लेवल फाइव लीडरशिप रिमेंबर

डिटर्मिनेशन एंथुजिज्म ये तमाम चीजें क्रिएट वहां पर हो पाएंगी डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि लेवल फाइव लीडर इज हैविंग अ राइट अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग विल और इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और एवरेज रिटर्न वो दे सकता है थैंक यू